हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप बेटा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमारी 10th क्लास की हिस्ट्री चल रही है, तो इसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। एक पार्ट हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। आई होप बेटा आपने सभी ने वीडियो को देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। फिर भी बेटा, अगर आपको कोई किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दोगे। आज हम इसका बेटा सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 8 है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हमारा जब इंडिया कंट्री जब हमारा अंग्रेज़ों के गुलाम था, तो उस समय अंग्रेज़ों के समय में कौन कौन से मूवमेंट्स चलाए गए थे, उन सारे मूवमेंट्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप बेटा आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रगल बिटवीन 1857 एडी एंड 1900 एडी। तो देखिए बच्चों, आज हम इसके अंदर जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें क्या बताया गया है कि 1857 से 1900 के बीच में कौन कौन से मूवमेंट्स चलाए गए थे, आज हम उसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, डिस्पाइट द फेलियर ऑफ द ग्रेट नेशनल रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 का जो बड़ा राष्ट्रीय रिवॉल्यूशन हुआ था, हालांकि वो फेल हो गया था, द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश डिडंट स्टॉप, लेकिन जो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट जो लड़ाई थी वो अभी बंद नहीं हुई थी, बट इट वॉज शेप्ड इन अ मोर विग्रियस मैनर, बल्कि बंद नहीं हुई थी बल्कि क्या, ये और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई थी। 1857 से 1900 के बीच का जो पीरियड था उसमें फॉरेस्ट ड्वेलर यानी कि आदिवासी, फार्मर्स, रिलीजियस संत, क्राफ्टमैन, इन्होंने सभी ने मिलकर क्या लगातार संघर्ष किया और बहुत सारे इसके अगेंस्ट मूवमेंट्स भी चलाए। इनमें से जो तीन इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट था बेटा इंडिगो प्रोटेस्ट, सेकंड था कुका मूवमेंट और थर्ड था बिरसा मुंडा प्रोटेस्ट। आज हम इन तीनों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है इंडिगो अपराइजिंग ऑफ 1859 to 60 AD। तो देखिए, इंडिगो क्या होता है बेटा, नील की खेती। इंडिगो किसे कहा गया है? नील की खेती, जो हम वाइट कपड़ों में जो नील देते हैं उसके लिए जो खेती की जाती थी उसे इंडिगो कहा गया है। तो उससे रिलेटेड देखिए एक मूवमेंट चला था, क्या है ये जो इंडिगो है वो यूरोप की एक बहुत ही स्पेशल डिमांड थी, और जो अंग्रेजी जो अंग्रेज के जो व्यापारी तो क्या थे, बहुत ज़्यादा लालची थे। तो इन्होंने लैंडलॉर्ड्स को क्या कर लिया, कमिट कर लिया, मतलब अपने साथ मिला लिया, एंड सर्व एट्रोसाइट्स ऑन फार्मर्स, और इन्होंने क्या है फार्मर्स के ऊपर अलग अलग तरह से उन्हें मतलब परेशान करना स्टार्ट कर दिया, एंड देयर फैमिलीज इन बंगाल एंड फोर्स देम टू कल्टिवेट इंडिगो, और उनका जो परिवार बंगाल में था उन्होंने उन्हें फोर्स किया, अंग्रेज़ों ने फोर्स किया कि आप लोग नील की खेती आप लोगों को करनी है। जो गरीब किसान थे गॉट यूनाइटेड एंड दे साउंडेड द ट्रम्पेट ऑफ अ विग्रियस स्ट्रगल अगेंस्ट द नीलहो। नील होता है मतलब जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड से उन्हें क्या नीलहो का नाम दिया गया था, ऑल्सो नोन एज द इंडिगो रेबिलियन, यानी कि जो गरीब किसान थे वो सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने इसके अगेंस्ट एक आवाज़ उठाई कि किसके अगेंस्ट, नीलहो के अगेंस्ट, जो इंग्लिश जो लैंडलॉर्ड से, और इन्होंने क्या कहा कि हम ये नील की खेती नहीं करेंगे, और इसी ही क्या है इंडिगो रेबिलियन यानी कि नील की क्रांति भी कहा गया है। जर्मन प्रेस्ट ऑफ दैट टाइम रोड दैट द पीजेंट ऑफ द विलेज फॉर्म्ड डिफरेंट ग्रुप्स। एक जर्मन जो प्रिस्ट था वो उस समय उसने क्या बताया कि जो गरीब किसान थे जो विलेजों में रहते थे, इन्होंने सभी ने अपने अलग अलग ग्रुप्स बनाए, जैसे सच एज द ग्रुप्स ऑफ सॉसर होल्डर्स, जैसे क्या है अलग अलग प्रकार के जो ग्रुप्स बनाए थे उसमें क्या है, जैसे सॉसर होता है तो तीर धनुष मतलब तीर से चलाने वाले, ग्रुप ऑफ स्टोन पेल्टर पत्थर तोड़ने वाले, ग्रुप ऑफ ब्रिक होल्डर ईंट बनाने वाले, चेन होल्डर्स जो बेल बनाने वाले थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, स्पीयर होल्डर्स जो स्पीयर होता मतलब थाली बनाने वाले जो लोग थे, तो ये सभी क्या है मतलब अलग अलग ग्रुप के जो लोग थे इन्होंने अपने अपने ग्रुप्स में शामिल हो गए, इन्होंने अपने अलग अलग ग्रुप्स बनाए। अब इन सभी ने मिलकर दे फाउट फाइट्सली अगेंस्ट द स्टिक्स ऑफ द लैंड लॉर्ड्स, और इन सभी ने मिलकर क्या है जो लैंड लॉर्ड्स थे जो जमींदार हैं उनके जो स्टिक्स यानी कि जो लकड़ियाँ उन्होंने जो लठैत या लकड़ी चलाई थी उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या किया, एक लड़ाई लड़ी। जो ये फार्मर्स से डिडंट हैव एनी लीडर, इनका कोई लीडर नहीं था, लेकिन फिर भी दे फाउट
टुगेदर अगेंस्ट द एट्रोसाइट्स ऑफ द इंग्लैंड इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स। लेकिन फिर भी इन सभी ने मिलकर क्या है, जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स थे अंग्रेज़ से, उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हिम्मत से कार्य लड़ाई लड़ी। देयर वॉज अ ड्रम एंड डुगडुगी अ स्मॉल ड्रम। उस समय देखिए एक ड्रम होता था और एक डुगडुगी एक छोटा ड्रम होता था। कहाँ रहता था वो, विलेज के आउटसाइड, एवरी विलेज, हर विलेज के बाहर रहता था। जैसे ही जो अंग्रेज़ों के जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जब वो लठैत, उसे लठैत कहा गया, जब वो लकड़ी लेकर गांव में एंटर करते थे, जो विलेजर्स होते थे एंड द सराउंडिंग विलेजेस और आसपास के जो लोग होते थे, वो इन ड्रम को बजाना और डुगडी को बजाना स्टार्ट कर देते थे और इनसे क्या है, गाँव वालों को इंडिकेशन मिल जाता था कि जो अंग्रेज़ है वो हमारे गाँव में आ गए हैं। फायर्सनेस ऑफ द इंडिगो रेबिलियन कैन बी गॉज्ड फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड कैनिंग। और जो ये जो इंडिगो रेबिलियन के लिए, इंडिगो की खेती के अगेंस्ट जो लड़ाई हुई थी, वो बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई भड़ गई थी। और इस लड़ाई को देखते जो लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने क्या कहा था, आई वॉज वरीड अबाउट द प्रेजेंट रेबिलियन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स। वो क्या कहते हैं कि ये जो इंडिगो की लड़ाई हो रही है, इसके अंदर जो फार्मर्स हैं उन सभी को देखकर मुझे इतनी ज़्यादा चिंता हो रही है, एज मच एज द इंसिडेंट ऑफ दिल्ली डिडंट बॉथर मी इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1857। मतलब जो दिल्ली के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था, रिवोल्यूशन हुआ था, उसमें भी मुझे इतनी चिंता नहीं होती जितनी मुझे अब चिंता हो रही है। अल्टीमेटली द इंडिगो रिवोल्ट सक्सीड। और लास्ट में क्या होता है, जो इंडिगो रिवोल्ट होता है वो क्या हो जाता है, जीत जाता है एंड इंडिगो कल्टिवेशन वॉज स्टॉप और नील की खेती को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से बेटा ये नील की जो रेबिलियन था, इंडिगो रेबिलियन था, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ओके, अब सेकंड देखिए बेटा, कुका मूवमेंट। सेकंड क्या आता है, कुका मूवमेंट। तो कुका मूवमेंट में देखिए क्या बताया गया, जो कुका मूवमेंट है ये भी क्या है, उस समय का एक मूवमेंट चलाया गया था। तो कुका मूवमेंट में क्या चीज़ें बताई गई हैं, इसमें कुका मूवमेंट में देखिए, द कुका मूवमेंट 1869 से 72 तक चला था ये। तो इसमें देखिए क्या था, एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश आइडियल पॉलिटिकल रूल लाइक गुरु गोबिंद सिंह इन पंजाब इन सेकंड हाफ ऑफ द 19th century, यानी कि 19वीं शताब्दी के मध्य में, मिड में, सेकंड हाफ में पंजाब के गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, इन्होंने एक रूल चलाया था अंडर द लीडरशिप ऑफ राम सिंह कुका। और किसकी लीडरशिप में, उस समय राम सिंह कुका की लीडरशिप में इन्होंने एक रूल चलाया था, एंड अ डिसिपल ऑफ उदासी फकीर नेम बालक सिंह। और ये किसके डिसिपल थे, यानी कि किसके ये जो ये किसके शिष्य थे, ये उदासी फकीर नाम के क्या थे, बालक सिंह। राम सिंह केम फ्रॉम आ सिंपल फैमिली। जो राम सिंह थे वो क्या है, बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। द सेक्ट फाउंडेड बाय हिम वाज कॉल्ड कुका और नामधारी सिख सेक्ट। और जो उसके जो उनके द्वारा जो स्थापित संप्रदाय था वो क्या है, उन्होंने उनका नाम सिख संप्रदाय रख दिया था। द पीपल ऑफ दिस सेक्ट यूज टू सिंग लाउडली। और इस धर्म के जो लोग थे वो क्या है, बहुत तेज सॉन्ग सिंग करते थे, गाते थे, एंड हैंस दे गोट द नेम कुका। और मतलब वो क्या है, बहुत तेज कूक कूक करके गाते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा था, कुका पड़ा था। नंबर ऑफ हिज डिसिपल्स, इसके जो शिष्य थे वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। राम सिंह डिसाइडेड टू अपरूट द ब्रिटिश एम्पायर। जब जो राम सिंह थे उन्होंने क्या निर्णय लिया कि वो अपने देश के अंदर से जो अंग्रेजी शासन है उसको उखाड़ फेंकेंगे बाय रिवाइविंग द खालसा। और इन्होंने ये उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। इसके लिए इन्होंने ही डिवाइडेड होल ऑफ पंजाब इंटू 22 parts। इन्होंने पूरे पंजाब को 22 parts में बांट दिया, डिवाइड कर दिया, एंड अपॉइंटेड डिफरेंट ऑफिसर्स, सभी के ऊपर क्या अलग अलग ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए। हिज डिसिपल्स वाउड गेट रेडी टू एट नाइट गैदर्ड वॉर सिंपल क्लॉथ्स एंड स्ट्रेट टर्बन टाइड क्रॉप्स अराउंड देयर नेक्स एंड वॉक्ड विद स्टिक्स। अब देखिए इसके जो शिष्य थे वो अब क्या है, रात में तैयार हो गए, इकट्ठे हुए, उन्होंने साधारण कपड़े पहने, एक अपने सिर पे पगड़ी बांधी, अपने हाथ में रस्सी ली, अपने गले में रस्सी डाली और क्या है वो लकड़ी लेकर चल दिए। ही लॉन्च्ड अ ट्रेमेंडियस कैंपेन अगेंस्ट काउ स्लॉटर। इन्होंने गाय की बलि के लिए अगेंस्ट भी क्या किया था, इन्होंने बहुत बड़ा एक क्या चलाया था, मूवमेंट चलाया था। ही प्लेड अ मेजर रोल इन डिस्ट्रॉइंग द स्लॉटर हाउसेज अराउंड द पिलग्रीमेज साइट्स ऑफ पंजाब। और इन्होंने जो स्लॉटर हाउसेज थे जहाँ पर पशुओं को मारा जाता था, उनको भी क्या किया था, इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, ख़त्म कर दिया था। ही प्लेड अ मेजर रोल इन डिस्ट्रॉइंग द स्लॉटर हाउसेज एंड द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कुकाज विद द ब्रिटिश टुक प्लेस इन फिरोजपुर इन 1800। सबसे पहला अंग्रेजों के साथ जो
कुक्का का जो लड़ाई हुई थी वो कहाँ हुई थी, फिरोजपुर में 1869 में हुई थी। इट्स पर्पस वाज टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश पावर, इनका सबसे मेन उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल देना। 1872 में कुक्का मूवमेंट ऑल्सो स्प्रेड टू मालोट, पटियाला एंड कोटला, और ये धीरे धीरे करके आगे फैल रहा था। टास्क ऑफ सप्रेसिंग इट वाज गिवन टू डिप्टी कमिश्नर ऑफ लुधियाना गोदान, और इस कार्य के लिए ये जो सारी ड्यूटी थी ये किसको, डिप्टी कमिश्नर, लुधियाना के जो डिप्टी कमिश्नर थे गोदान, उन्हें ये ड्यूटी सौंपी गई। देर वाज 68 कुका एगिटेटर्स अरेस्टेड इन विच 65, इसके अंदर 68 कुकास थे जिन्हें अरेस्ट किया गया। इन 68 के अंदर से 65 जेंट्स थे, दो व्यूमेन थे, 12 साल का लड़का था। कोदान ब्लू अप 49 कुकास विद अ कैनन एंड पुट द रेस्ट टू डेथ बाय ट्रायल इन कोर्ट, और कोदान ने 49 जो कुक्का थे उनको को तोप से उड़ा दिया, मतलब उन्हें जान से मार दिया, और बाकी को क्या कर दिया, वो उन्हें मतलब वो कहाँ ले गए, जेल में, कोर्ट में ले गए, वहाँ पर उन्हें डेथ का, डेथ के लिए सुना दिया गया। टेल्स ऑफ बिशन सिंह, बरहम सिंह आर फेमस अमंग द मार्टियर्स, इन शहीद होने वालों के अंदर किस किस के नाम आते हैं, बिशन सिंह और बरहम सिंह के नाम भी आते हैं। राम सिंह वाज अरेस्टेड, राम सिंह को क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया एंड सेंट टू रंगून, और उन्हें कहाँ ले जाया गया, रंगून ले जाया गया। देयर ही डाइड इन 1885, वहाँ 1885 में इनकी डेथ हो गई। कुक्का फर्स्ट यूज इंडिजीनियस क्लॉथ्स, जो कुक्का थे इन्होंने सबसे पहले क्या है, जो कुक्का थे इन्होंने सबसे पहले इंडिजीनियस क्लॉथ्स स्पेशली मेड ऑफ थिक कॉटन और खादर, ट्रेड ऑफ द इंडिजीनियस गोड्स एंड बायकोटेड द फॉरन, सबसे पहले जो कुक्का थे इन्होंने क्या है, जो खादी के कपड़े थे, सूती कपड़े थे, उसको अपनाया, और इन्होंने जो अंग्रेजी कपड़े थे उसका बायकॉट किया, उसका बहिष्कार किया एज अ नेशनल वेपन, और इन्होंने इसको एक अपने हथियार के रूप में कार्य में लिया। विच वाज लेटर यूज बाय द नेशनलिस्ट टू जनरेट कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस अमंग द इंडियन पीपल, और इसके द्वारा धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें क्या है, जो भारत के लोग थे उसके अंदर भी जनरेट की गई, उन्हें अवेयर किया गया। महात्मा गांधी यूज दिस वेपन एज अ कॉम्प्रिहेंसिव लेवल एंड कनेक्टेड द कॉमन मैन विद द नेशनल मूवमेंट, और जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इसे एक वेपन, इस वेपन को एक बहुत बड़े लेवल को पर यूज़ करके जितने भी पर्सनस थे उसे इस मूवमेंट के द्वारा अंदर क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया, इस मूवमेंट के अंदर जोड़ लिया। तो ये था बच्चों कुका मूवमेंट। आगे देखिए बेटा, थर्ड आता है स्ट्रगल ऑफ बिरसा मुंडा। देखिए बिरसा मुंडा थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। व्हेन ब्रिटिश इंपेरियलिज्म इनफिल्ट्रेटेड द फॉरेस्ट ड्वेलिंग एरिया, जब अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने फॉरेस्ट एरिया के अंदर घुस गए, तो उस समय जो भारत के जो बहादुर लोग थे इन्होंने विद देयर ट्रेडिशनल वेपन्स, इन्होंने अपने परंपरागत जो हथियार थे वेपन से उनसे क्या किया, उन लोगों का सामना किया। मुंडा रेबिलियन वाज लेड बाय बिरसा, जो मुंडा रेबिलियन था वो किसके द्वारा चलाया गया, बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया। जो बिरसा मुंडा था वो क्या था, बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया। बिरसा मुंडा चलकड़ आसमेल रांची डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलकड़ नाम का एक छोटा सा गांव था, उसमें इसका जन्म हुआ था, और धीरे धीरे करके क्या है, यह क्रिश्चियन बन गया एंड ऑल्सो टुक सम एजुकेशन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल, और इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल के अंदर अपनी एजुकेशन शिक्षा प्राप्त की, लेकिन ये क्या थे, असंतुष्ट थे विद क्रिश्चियनिटी, किससे, क्रिश्चियन धर्म से। ही अगेन बिकेम मुंडा, वो फिर से मुंडा बन गए। मुंडा चीफ्टेंस रेज द ट्रम्पेट ऑफ रेबिलियन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, और जो मुंडा के जो चीफ थे, हेड थे, उन्होंने क्या है, अंग्रेजों के विरुद्ध एक रेबिलियन यानी कि एक लड़ाई छेड़ दी, और जो क्रिश्चियंस ने प्रोपोगेशन फैलाया था उसके अगेंस्ट भी लड़ाई छेड़ दी। मुंडास यूज टू डू कलेक्टिव फार्मिंग, अब जो मुंडास थे वो क्या है, इकट्ठे मिलकर फार्मिंग करते थे, लेकिन ये जो ट्रेडिशन था उसे अंग्रेजों ने तोड़ दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो मुंडा फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे वो क्या हो गए, निराश हो गए। मुंडा लीडर कौन था, बिरसा था, उसने स्वयं ये डिक्लेयर किया था इनकारनेशन ऑफ कोशी वाद इन 1899 में, इन्होंने इसे क्या है, बिरसा मुंडा ने, मुंडा नेता ने, बिरसा ने स्वयं को ईश्वर का एक अवतार घोषित किया, कब, 1889 में, एंड बिकेम द ट्रम्पेट ऑफ ब्लोवर ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, और ये 1899 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया, एक लड़ाई छेड़ दी। दिस स्ट्रगल सून स्प्रेड टू रांची एंड
सिंघम एरियाज, ये रांची और सिंघम एरियाज में भी फैल गया। और जो मुंडा थे सेक्रेटली प्रैक्टिस अरोज एंड बोज, और जो मुंडा थे वो क्या है चुपचाप किसके तीर धनुष के ऊपर क्या करते रहे अपनी प्रैक्टिस करते रहे, एफिगीज ऑफ क्वीन विक्टोरिया। और ये चुपचाप क्या है, ये महारानी विक्टोरिया के पुतले के ऊपर क्या करते रही है, मतलब उसका महारानी विक्टोरिया का पुतला, मतलब उसका पुतला बनाकर क्या करते रहे उसके ऊपर ये अपनी प्रैक्टिस करते रहे। और भारत में एंड इन इंडिया वांटिंग टू एस्टेब्लिश मुंडा राज इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश राज। अब जो भारत के लोग थे वो क्या है, भारत में मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे किसके बजाय, ब्रिटिश राज की बजाय। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एरियाज के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से जो अंग्रेज थे, अंग्रेजी सरकार थी, वो क्या हिल गई और स्टार्टेड लुकिंग फॉर बिरसा, उन्होंने क्या बिरसा की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया। 3 फरवरी 1900 AD में बिरसा को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें रांची की जेल में डाल दिया गया। बिरसा एंड हिज 482 कंपेनियंस वर ट्राइड। और यहाँ पर बिरसा और उसके 482 साथियों पर क्या कर दिया गया, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, केस चलाया गया। और June 9, 1900 AD बिरसा डाइड इन जेल फ्रॉम, और लेकिन 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा को हैजे से क्या हो गया, उनकी जेल में उन्हें हैजा हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा 3 कैंपियंस वर अवार्डेड अ डेथ सेंटेंस। बिरसा मुंडा के तीनों साथियों क्या दे दिया गया, मृत्यु दंड दे दिया गया। 44 वर सेंट टू सेलुलर जेल, इनमें से 44 को काला पानी की सजा दी गई अंडमान निकोबार आइलैंड में, एंड 47 वर अवार्डेड इम्प्रिजनमेंट। और इसके अंदर 47 को क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। इन द ट्रायल बिरसाज वाइफ मानकी वाज ऑल्सो सेंटेंस टू 2 years फॉर असल्टिंग। और इसके इन सब के बीच में जो बिरसा मुंडा की जो वाइफ थी मानकी, उसे भी क्या है 2 साल के लिए कहाँ डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया, क्योंकि उसने अपने आप को बचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर पर क्या किया था, अटैक किया था। स्ट्रगल वाज क्रस्ड बट बिरसा बिकेम इमॉर्टल। जो स्ट्रगल था, ये जो संघर्ष था, उसे ख़त्म कर दिया गया, लेकिन जो बिरसा मुंडा थे वो क्या हो गए, इमॉर्टल, यानी हमेशा के लिए अमर हो गए। आर्टिकल्स डिसअपीयर्ड इन फेवर ऑफ मुंडा इन मैनी न्यूज़पेपर, और बहुत सारे न्यूज़पेपर में समाचार पत्रों में मुंडा के बारे में बातें छपी। एंड सुंदर नाथ बनर्जी रोड आर्टिकल्स इन सपोर्ट ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज सपोर्टर्स इन लीडिंग न्यूज़पेपर इन कलकत्ता। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता के जो इम्पोर्टेंट समाचार पत्र थे, इम्पोर्टेंट जो न्यूज़पेपर थे, उसके अंदर बिरसा मुंडा और उनके जो सपोर्टर्स थे उसके बारे में इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। तो इस प्रकार से बेटा इसके अंदर देखिए जो तीन ये पर्सन हैं, तीन ये जो इम्पोर्टेंट जो उस समय पर मूवमेंट्स हुए थे, उन तीनों के बारे में इसमें बताया गया है। बेटा मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर दोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।